माज़ी रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ लेक्चर नंबर 6 फॉर क्लास 9 मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 6.1। और आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, 7 जो है आपने वो खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके सामने है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज x प्लस 4 द एच सी एफ ऑफ एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इन 2k प्लस 2 और सेकेंड एक्सप्रेशन 2x square plus kx minus 12। तो दो एक्सप्रेशंस गिवन है और इन दो एक्सप्रेशंस का वो कह रहे हैं कि आपने आपके पास जो एच सी एफ है वो भी गिवन है x प्लस 4, आपने k की वैल्यू बतानी है। दोनों एक्सप्रेशंस में k मौजूद है और आपने उसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे कि एक एक्सप्रेशन को p ऑफ x कंसिडर करेंगे। लेट p ऑफ x जो है वो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है x square plus x minus into 2k plus 2। फिर सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसको हम q ऑफ x कंसिडर कर लेंगे, q ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12। एज वी नो दैट HCF है आपके पास इन दोनों एक्सप्रेशन का वो x प्लस 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 4 को इक्वल रखेंगे 0 के, तो उससे हमारे पास वैल्यू आएगी x की। और वो x की वैल्यू क्या आएगी कि हम इस 4 को उठा के इक्वेशन के सेकंड दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आंसर आएगा माइनस 4। तो अब हमारे पास x की एक वैल्यू है दैट इज माइनस 4। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी दो एक्सप्रेशंस में से किसी एक में पुट कर सकते हैं। आप इसे पी एक्स में भी पुट कर सकते हैं और क्यू एक्स में भी पुट कर सकते हैं। लेट्स पुट इट इन एक्स इन पी ऑफ एक्स। तो जब हम एक्स की वैल्यू को माइनस फोर को पी ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो देखें आपके पास एक्स स्क्वायर की जगह पे आप लिखेंगे माइनस फोर का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स की जगह पे आप प्लस इंटू माइनस फोर लिखेंगे, फिर माइनस इंटू 2k प्लस 2। ये k की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और इसको इक्वल रखेंगे हम 0 के। तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस माइनस ये 4 बचेगा आपके पास, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 2 आपके पास आंसर आएगा 10, 10 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस 2k को यहीं रहने दें और 10 को उधर लेके जाएं तो ये बनेगा माइनस 10। तो माइनस और माइनस दोनों तरफ कॉमन है तो माइनस और माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2k इज इक्वल टू 10। अब k इज इक्वल टू 2 को उधर लेके जाएंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स k इज इक्वल टू 5। यही आपके पास आंसर है। आप हमने इसको p ऑफ x से फाइंड आउट किया है, अब इसे q ऑफ x से फाइंड आउट करेंगे तब भी आपके पास k की वैल्यू 5 ही आएगी। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 7 भी खुद सॉल्व करना है। उसमें दो एक्सप्रेशंस हैं और वहाँ से आपने k और l की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।